हाँ डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। देखिए हमारे विमीय विधि और विमीय विधि के उपयोग और विमीय विधि की सीमा कितना हम पढ़ चुके थे बेटा। इसके हमने सारे नोट्स अब तक जितना पढ़ाया था वो सारे के सारे नोट्स हमने आपको भेजे थे, 1 से लेकर 26 नंबर तक भेजे थे कि स्टूडेंट्स से आया कि सर एक साथ इतने पेज हम कैसे रहेंगे। बेटा आपको वो समझना है, वो आपके पास स्कूल लोग में आपके पास रहेंगे, बट नोट्स होना बहुत जरूरी है। जितने आपके पास नोट्स होंगे आप उनको बार बार रिवाइज कर सकते हैं, तो धीरे धीरे जैसे भी आपको टाइम मिले आप उनको नोट करते जाएंगे। आज हम उसी विमीय विधि के ऊपर कुछ और क्वेश्चन लेने वाले हैं आगे। जैसे पहला जो क्वेश्चन है वो है यदि ए व बी की विमाएँ अलग अलग, यहाँ पर ये अलग अलग आए अलग अलग हैं, अलग अलग हों या हैं तो निम्न में से कौन सी प्रक्रिया संभव है। अलग अलग विमाएँ, अब देखो हम देखते हैं ए बटा बी, तो ए बटा बी बिल्कुल संभव है। आप अलग अलग मतलब विमाओं वाले भौतिक राशियों का डिवाइड भी कर सकते हैं और मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, तो ये पॉसिबल है, तो ये प्रक्रिया संभव है। इसकी बात करते हैं, क्या दो अलग अलग विमा वाली राशियों का योग हो सकता है? तो आप याद कीजिए मैंने बताया था आपको यदि कहीं पर भी दो अलग अलग विमाओं वाले दो राशियों का योग आ जाता है फिजिक्स में किसी विमीय सूत्र में, तो वो सत्य तभी होगा जब दोनों राशियों की विमाएं समान हो। तो अलग अलग राशियां हैं विमाएं हैं तो योग भी संभव नहीं है और अंतर भी संभव नहीं है। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए ये वाला अलग अलग है तो ए बटा बी वाला मान ए बटा बी कर सकते। एक बात और देखिए, यहाँ पर अगर मैं ऐसे लिख दूं लोग ए बटा बी, तो ये लोग ए बटा बी तभी संभव है जब ए और बी की विमाएं समान। क्यों? क्योंकि लोग में जो पद आएगा उस पद की जो विमा होगी वो विमाहीन पद आता है, ई की घात में जो पद आएगा वो विमाहीन होगा। और मैं लिखूं ए की घात में ए बटा बी आ गया है तो बताइए ए और बी की विमा में क्या संबंध होगा? तो ए बटा बी विमाहीन कब होगा? ए बटा बी का मान विमाहीन कब होगा? जब ए की विमा और बी की विमा क्या हो? जब ए की विमा और बी की विमा क्या हो? बराबर। ध्यान देना ये यहाँ इस क्वेश्चन में नजर काम में नहीं आएगा वैसे, तो लोग ए बटा बी, लोग ई की घात ए बटा बी और साइन, साइन के अंदर कोई भी थीटा आ जाए ये हमेशा क्या होते हैं? विमाहीन होते। तो हमारा आंसर तो यहाँ पर अलग अलग विमा के हैं तो जोड़ नहीं सकते हैं, माइनस भी नहीं कर सकते हैं, हाँ उनका अपोन किया जा सकता है और मल्टीप्लाई भी किया जा सकता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर टू पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर टू, सावृत्ति गुरुत्वाकर्षण नियतांक की विमा ज्ञात कीजिए। तो सावृत्ति गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, हमें उसकी विमा ज्ञात करनी है। F इक्वल टू, पहले तो ऐसा वह फॉर्मूला लिखेंगे जिसमें सावृत्ति गुरुत्वाकर्षण नियतांक आ जाए, तो यहाँ सावृत्ति गुरुत्वाकर्षण नियतांक को हम कैपिटल जी से लिखेंगे और न्यूटन का सावृत्तिक गुरुत्वाकर्षण का नियम दो द्रव्यमानों के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल के लिए एक नियम है और उसका फॉर्मूला हमें याद करना पड़ेगा, वो ये है F बराबर जी एम वन एम टू बटा आर स्क्वायर। जब हम 11th क्लास में हमारे टॉपिक आएगा, चैप्टर ही आएगा पूरा कंप्लीट गुरुत्वाकर्षण, जब हम वो चैप्टर पढ़ेंगे उसमें यह इस फॉर्मूले से स्टार्ट होगी, इस नियम से स्टार्ट होगा। नहीं अभी हमें याद रखना है ये कि अगर गुरुत्वाकर्षण नियतांक की विमा हमें पता नहीं है, मैंने बताया था किसी भी भौतिक राशि की विमा आपको याद करनी है, आपको याद निकालनी है, तो आपको या तो उसकी परिभाषा या उसका मात्रक, परिभाषा से हम सूत्र बनाएंगे, सूत्र से हम मात्रक बनाएंगे, इन तीनों में से कुछ मालूम है तो ही आप उसकी विमा याद कर सकते हैं। तो फॉर्मूला ये है, मुझे जी की विमा निकालनी है तो जी बराबर क्या आ गया? एफ गुणा आर स्क्वायर बटा एम वन गुणा एम टू, मात्रक लिखोगे तो एफ का मात्रक किलोग्राम, आर का मीटर होता है तो आर स्क्वायर मीटर स्क्वायर आ जाएगा और नीचे एम वन एम टू, सॉरी एफ एफ लिया है ऊपर
एफ का मात्रक क्या आएगा, न्यूटन, न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर अपॉन एम वन एम टू, इस वाले एम वन का भी किलोग्राम, इस वाले एम वन का एम टू का भी किलोग्राम, क्या आ जाएगा किलोग्राम का स्क्वायर। अब चाहे इससे निकाल लीजिए विमान, चाहे इससे निकाल लीजिए, क्योंकि न्यूटन की या एफ की विमान क्या होती है एम एल टी की घात माइनस दो, आर की विमान, आर यानी मीटर दूरी की विमान क्या होगी एल की घात दो, ठीक है, और किलोग्राम की विमान क्या होगी किलोग्राम स्क्वायर है तो एम की घात दो। अभी ऊपर चला जाए एम की घात दो, ऊपर आ गया एम की घात क्या बनेगी माइनस दो प्लस वन, तो एम की घात माइनस एक, सबको मालूम है बेटा ऊपर जाने पर m की घात कितनी हो जाएगी माइनस दो, और यहाँ कितनी है प्लस वन, तो माइनस दो प्लस वन माइनस वन, l की घात अब दो और एक तीन घात हो जाएगी, और t की घात माइनस दो, ये किसकी विमा आ गई सावृत्तिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक की विमा। बेटा इन क्वेश्चन को भी आप अपनी नोटबुक में नोट करेंगे, 26 जो पेज है ना उसके अब आगे आप इन इन क्वेश्चन को और नोट करेंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर थ्री, क्वेश्चन नंबर थ्री क्या है, y इक्वल टू a साइन ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स इंटू टी, यहां पर x क्या है x विस्थापन है, ध्यान दीजिए दिया नहीं है इसमें, मैं लिख देता हूं x यहां पर विस्थापन है और t यहां पर क्या है समय है, तो आपको a b c की विमा ज्ञात करनी है, a b और c की विमा ज्ञात करनी है, कांसेप्ट कांसेप्ट क्या होगा देखिए मैंने अभी बताया था आपको, अगर लोग में कोई राशि आ जाए वो विमाहीन होगी, यहाँ पर जितने पद आएंगे सब विमाहीन आएंगे, साइन में थीटा में आएंगे तो विमाहीन आएंगे, और ई की घात किसी भी अचर राशि की घात में भी कोई पद आ जाएंगे तो सभी पद विमाहीन होंगे। अब ये कंसेप्ट हम यहां लगाते हैं, तो ये ए एक्स क्या होगा, ए एक्स क्या होना चाहिए विमाहीन, अब ए एक्स यदि विमाहीन है तो ए की विमा और एक्स की विमा का गुणा करने पर क्या आना चाहिए एम की घात जीरो, एल की घात जीरो और डी की घात जीरो, यानी हम बोल सकते हैं कि जो एक्स की विमा है सॉरी ए की जो विमा है, ए की विमा जो है वो एक बटा एक्स की विमा के बराबर होनी चाहिए, ताकि दोनों की विमा को गुणा करने पर ये एम की घात जीरो, एल की घात जीरो और ए की घात जीरो आ जाएगा। तो इससे आप देखिए जो एफ ए की विमा होगी, ए की विमा जो होगी वो एक्स की विमा का क्या होगी व्युत्क्रम, व्युत्क्रम होगी, तो एक्स की विमा क्या है, एक्स क्या है विस्थापन, विस्थापन का मात्रक मीटर, तो एक्स की विमा क्या होगी एल, तो a की विमा क्या होगी एक बटा l यानी l की घात माइनस वन, और आप चाहे तो ऐसे ले सकते हैं m की घात जीरो l की घात माइनस वन t की घात जीरो, ये होगी a की विमा। अब आप a की विमा यहाँ रखिए l की घात माइनस वन और x की विमा क्या होगी l, तो l की घात माइनस वन गुणा l की घात माइनस वन गुणा l, तो l की घात जीरो हो गई, तो ये विमाहीन हुआ कि नहीं हुआ, तो ये वाला पद भी विमाहीन होगा, ऐसे ही ये वाला पद भी क्या होगा विमाहीन, तो बी एक्स स्क्वायर है तो बी की विमा क्या आ जाएगी, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है समझ जाएंगे आप, बी की विमा क्या आएगी जब एक्स की विमा एल स्क्वायर है, तो ये कैंसिल कब होगा जब बी की विमा क्या हो एक्स की विमा एल स्क्वायर, ये कैंसिल कब होगा जब बी की विमा क्या हो एक बटा एल स्क्वायर, ठीक है, मतलब x की विमा l स्क्वायर है तो b की विमा होनी चाहिए एक बटा l स्क्वायर, तभी तो कैंसिल होगा ना, तो b की विमा क्या आ जाएगी, b की विमा आ जाएगी m नॉट l की घात माइनस दो t की घात। तीसरी बात ये हो रहा है c की विमा निकालिए, अब देखिए c की विमा जब आप निकालेंगे ध्यान दीजिए, तो यहाँ आ रहा है सी टी, सी गुणा टी, तो सी गुणा टी, तो सी की विमा निकालनी है, टी क्या है समय, तो अब सी की विमा ऐसी होनी चाहिए टी की विमा का क्या हो व्युत्क्रम, तभी तो सी और टी का गुणनफल क्या हो जाएगा विमाहीन, तो सी की विमा होगी एक बटा टी, ताकि इस टी से टी कैंसिल हो जाए विमाहीन हो जाए, तो यहाँ आ जाएगा टी की घात माइनस वन, या आप लिख सकते हैं एम की घात जीरो, एल की घात जीरो और टी की घात माइनस वन, ये किसकी विमा आ जाएगी सी की विमा, ठीक है डियर स्टूडेंट।
तो ये तीन क्वेश्चंस आप अपनी नोटबुक में सॉल्व कीजिए और पेज नंबर 1 से 20 से जो आपको भेजे हैं वो सब विमीय विधि के ऊपर आधारित चीजें। अभी हमारा एक टॉपिक कंप्लीट हुआ है विमाएं, और आप बुक अगर आपके पास बुक है, अगर आप बुक देख रहे हैं तो बुक में आप केवल जो विमाओं वाले टॉपिक है उन पर ही कंसंट्रेट कीजिए, बाकी टॉपिक्स को एक बार आप छोड़िए, वो टॉपिक हम स्टेप बाय स्टेप लेंगे बेटा, ठीक है। एक बार हम क्या पढ़ा रहे हैं, विमाएं पढ़ा रहे हैं आप, विमाएं, विमा क्या होती है, विमाएं हम भौतिक राशि की विमाएं कैसे निकालते हैं, मतलब फिर उसके बाद विमीय विधि के क्या क्या उपयोग है, उन उपयोग के ऊपर हमने क्वेश्चंस किए हैं, ठीक है, और विमीय विधि की क्या सीमाएं हैं, तो सीमाएं हमने बताई हैं, और आज के हमने इस विमीय विधि के ऊपर क्वेश्चन कुछ भेजे हैं आपको, तो 3 क्वेश्चंस को आप अपने नोटबुक में नोट कीजिए। ओके डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू।